से। नहीं, बहुत फायदा मिलता है, बिकॉज डिस्कशन होती है कि आज की ट्रेंड्स क्या है। थिंक दैट्स समथिंग दैट यू नो पीपल शुड स्टार्ट डूइंग। कुके कुके कोयलिया कुके। सोनम नाम की एक कोयलिया जब कूकना शुरू करती है तो हर तरफ छा जाता है सन्नाटा। अरे सोनम आप बस भी कीजिए, कितना बोलेंगी आप। एक बार स्टार्ट होती है तो आपके तो ब्रेक ही फेल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलते बोलते जज्बाती हो जाती है सोनम। जी हाँ, आजकल हर दूसरे इवेंट्स पर नजर आने वाली बॉलीवुड की फिलोसोफर गाइड सोनम कपूर को जैसे पूरी दुनिया के इश्यू के बारे में पता है। इसे इन इंडिया वी हैव समथिंग कॉल्ड सत्संग। यू नो व्हाट सत्संग मींस, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड सत्संग, सो यू कैन ग्रो, यू कैन हैव द राइट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वैल्यूज। आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन एंड एनी सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन और एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस मीटिंग is always important। हर इशू पर सोनम के पास इतना ज्ञान है कि वो पूरे इंडिया को एनलाइटन कर सकती है, और हमें तो ऐसा लगता है जैसे सोनम ने फिल्म्स को एज अ करियर चूज करके गलती कर दी है, क्योंकि सोनम के पास बोलने का जो पोटेंशियल है उस हिसाब से इन्हें कोई फिलोसोफर, लेक्चरर या पॉलिटिशियन होना था। वेल सोनम अपने फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का ओवरडोज देती हुई नजर आई फिक्की फ्रेम्स के इनॉग्रेशन सेरेमनी पर, जहां सोनम के साथ पहुंचे थे करण जौहर। और सोनम के सताए करण ने यहां सोनम की तरह ज्यादा ज्ञान तो नहीं दिया, हां बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को एक सलाह जरूर दे डाली। बजट के हिसाब से फी होनी चाहिए, सिनेमा के हिसाब से फी होनी चाहिए। आई थिंक एक्टर्स लाइक विद्या बालन ट्रूली आई बिलीव हैव अंडरस्टूड दैट दे वुड रादर सैक्रिफाइस अ हाई रेम्युनरेशन फॉर ग्रेट कंटेंट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज वेयर शी इज टुडे। काश करण बजट में आप सोनम के लिए ज्यादा बोलने पर टैक्स का प्रोविजन भी लगवा देते, कम से कम ये इमोशनल अत्याचार तो नहीं सहना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि आपकी गुड सिनेमा और गुड कंटेंट वाली सलाह पर सोनम थोड़ा ध्यान देंगी, क्योंकि फिल्म मेकर्स तो अब सोनम को अपनी फिल्मों में कास्ट करने से बच रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोग पर्सनल लाइफ में भी उनकी बकबक करने की आदत से उनसे बचने लगे।